पासिंग द पार्सल सब लोग जानते हैं, ठीक है, पार्टी गेम है, तकिया हम एक से दूसरे के पास पहुंचाते हैं म्यूज़िक के साथ में, और जब म्यूज़िक रुक जाता है तो कुछ करना पड़ता है, कोई एक्शन करना पड़ता है, तो उसी गेम को हमने थोड़ा सा बदल दिया है, हम अपने थीम के साथ में इसको जोड़ करके खेलेंगे, ठीक है। इसका नाम भी पासिंग द पार्सल ही है। मैं कोई म्यूज़िक नहीं बजाऊंगी, मैं ताली बजाऊंगी। कई बार होता है कि हमारे पास म्यूज़िक नहीं होता, ठीक है, मोबाइल में भी बैटरी है नहीं है, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कम से कम रिसोर्सेज में भी हमें काम करने की आदत होनी चाहिए, हमें क्रिएटिवली तरीकों को ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इस डब्बे के अंदर 6 पर्चियाँ डाली हैं मैंने, और ये जो गेम है ये है इमोशंस को पहचानना, यानी भावनाओं को पहचानना। तो आप क्या करेंगे कि जैसे मैं ताली बजाऊंगी, ये डब्बा एक से दूसरे के पास जाएगा, जहाँ मेरी ताली रुकी, जिसके पास डब्बा रुका वो इसमें से एक पर्ची निकाले, सिर्फ अपने पास बहुत ध्यान से देखे, दूसरों को ना दिखाए, और जो लिखा है उसको आपको एक्ट करके दिखाना है, यानी नॉन वर्बल तरीके से ये बताना है कि ये कौन सा इमोशन है, इमोशन को पहचानना है हमें, ठीक है जी। तो हमने ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ, तो मैंने कम ही इमोशंस डाले हैं यहाँ पे। वैसे तो बहुत सारे इमोशंस डाल सकते हैं आप बच्चों को और क्रिएटिव बनाने के लिए, उनमें और एक डिस्कशन पैदा करने के लिए या इनिशिएट करने के लिए, लेकिन मैंने कुछ ही, मैंने इसमें अभी 6 ही डाले हैं, ठीक है। तो आप काफ़ी सारे लोग हैं तो कईयों की बारी नहीं भी आएगी, ठीक है। और इसको ऐसे ना ट्रीट करें कि कोई बीमारी है या कोई चीज़ है, जल्दी से फेंकना, ऐसा नहीं करना, ठीक है, बिकॉज ये नॉर्मली ऐसा हो जाता है। यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, सब फोकस इस पे करें और यहाँ से जाएगा, ओके। आप सिर्फ अपना देखेंगे और मुझे वो दे देंगे पर्ची। एक एक पर्ची नहीं, खोलिए उस पर्ची को, खोलिए, एक ही पर्ची निकालनी है, और उस बगल वाले को दे दीजिए डब्बा, आप देखिए और उसको एक्शन में बताइए, खोलिए खोलिए, दे मुझे दीजिए पर्ची। यहाँ के सब देख पाएंगे कोई ऐसी जगह? आश्चर्य, बहुत बढ़िया, शुरू कर रहे हैं। अपने पास एकदम मेरी को ना दिखाएं, बोलना नहीं है, एक्शन दिखाना है, जो आपने पढ़ा ना उसको एक्शन से दिखाइए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। प्रेरणा, आश्चर्य, खुशी, ठीक है। तो इसको क्या किसी और तरीके से भी, इन तीनों को क्या, ये जो तीन इमोशंस देखे आपने, इनको किसी और तरीके से भी दिखा सकते हैं? आश्चर्य दिखाएंगे रागिनी, तो आप कैसे दिखाएंगे आश्चर्य? आश्चर्य, ओके गुड। खुशी, यस। घृणा, मैम किसी चीज़ को नफरत करना, नफरत से ज़्यादा जो आपको पसंद ना हो, जैसे कोई चीज़ खाने की पसंद नहीं है उसे मना करना कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा। एक ही इमोशन को लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, कुछ शब्दों से, कुछ बिना शब्दों के। हमने यहाँ पे शर्त ये रखी थी कि आपको बिना शब्दों से ही बताना है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि अलग अलग है। जैसे खुशी के लिए कोई नाच रहा है, कोई इतना सिर्फ आंखों से व्यक्त कर रहा है, कोई ताली बजा रहा है,
तो एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से हम दिखाते हैं, यही एक खासियत है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, ठीक है। और कई चीज़ें होते हैं हम लोग समझ पाते हैं, कई बार नहीं भी समझ पाते, ठीक है। अगर बहुत क्लियरली होता है तो हम समझ पाते हैं, और कई बार होता है कि वो तो अपने हिसाब से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा, और यहाँ पे कभी कभी कम्युनिकेशन में गैप भी आ जाता है, समझ में गैप भी आ जाता है, गलत फहमी भी हो सकती है। आप इधर आके पढ़िए। कोई और दिखाना चाहते हैं? तो ये इस एक गतिविधि है। हम इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे मैंने कहा कॉमिक बुक्स, मुझे डर क्यों लगता है, बच्चे ने कोई कहानी सुनाई तो उसका हमने कॉमिक बनाया, दूसरों के साथ शेयर किया, तो इस तरह से, या गुस्सा क्यों आता है, गुस्से में क्या कर दिया उसने, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ, उसका कॉन्सिक्वेंस शायद ये हुआ कि इतनी मारपीट हो गई, किसी को मर्डर कर दिया। बेसिकली हम उनको बच्चों के साथ यही डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से इमोशंस को हैंडल करना है। इस पहली बात तो एक्सप्रेशन, जैसे मैंने पहले बताया कि एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन नॉर्मल है, हमें ये लड़का या लड़की में बंटवारा नहीं करना है कि लड़की ही डरेगी या लड़का नहीं रोएगा, ये सारी चीज़ें हमें पहले तो ये मिथ्याएँ हटानी हैं। अगर आपको इमोशन फील हो रहा है तो उसको एक्सप्रेस कीजिए, प्रॉपरली कीजिए। तो यहाँ पे एक तरह से समझ आता है कि किस तरह से हमें मतलब प्रकट करना है। दूसरा, नॉन वर्बली भी हम लोग बहुत कुछ समझ जाते हैं, जैसे किसी को गुस्सा आ रहा है या कोई डरा हुआ आपके पास आया, बता नहीं पा रहे किसी वजह से, सिर्फ आंसू निकले जा रहे हैं, तो समझ आ जाता है, वहाँ पे बोलने की बहुत ज़रूरत नहीं है। आपको समझ जाना चाहिए कि उसके मन की स्थिति क्या है, क्या अंदर चल रहा है, और उसी तरह से आप डील करेंगे। तो एज ए काउंसलर, एज ए सोशल वर्कर, या जो भी पेरेंट हो सकते हैं, एज ए पेरेंट ऑल्सो हमें समझना चाहिए हमारे बच्चे को अगर तकलीफ है, बच्चा नहीं बोल पा रहा है, तो इस तरह के इमोशंस को भी हमें पकड़ना और समझना बेहद ज़रूरी है। तो इस तरह की गतिविधि से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं और बच्चों के साथ एक बातचीत शुरू कर सकते हैं। एकदम हो सकता है कि आप कि आपको क्या हो रहा है तो बच्चा शायद ना बोले, एक तरह की गतिविधि करें तो शायद हो सकता है बच्चे को एक हिम्मत आए, और बच्चा या इंडिविजुअल जो भी है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो फिर कंफर्टेबल हो जाए। बेसिकली हमारा यही मकसद रहता है कि इन गतिविधि द्वारा लोग शेयरिंग के लिए कंफर्टेबल हो जाएं और आगे एक चर्चा चल सके, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन ढूंढना जरूरी है। तो सोल्यूशन ढूंढने के लिए सिर्फ बातचीत से कई बार बात नहीं बनती, थोड़ा सा बोरिंग नीरस सा भी हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने ये पासिंग द पार्सल वाला गेम खेला। आप इसमें और भी इमोशंस डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल दया दिखाना, एक माफ़ करना, प्यार, इस तरह के ना बहुत सारे और इमोशंस डाल सकते हैं, और वो इस तरह से दिखा करके आप एक डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑन इमोशंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस।